hello kids today we are going to learn sixth standard geography subject chapter number 5 temperature in the last video we have learned about uh, temperature and temperature on the earth are uneven temperature are uneven on the earth surface perpendicular ray are which occupy a less area and slant ray are occupy a large area so all these points we are learned about uh, learn in a last video now today we will learn a uh, greenhouse gases and temperature so now effect of greenhouse gases सम गैसेस इन द एटमोसफियर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर कैन होल्ड द हीट विद इन डेम सेल्फ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सम गैसेज इन द एटमोसफियर लाइक सो एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर जैसे गैसेस हैं जो हीट को होल्ड करके रखते हैं अपने में सो इन द एटमॉसफियर लाइक

की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटमोसफियर में वही क्लाइमेट चेंज होने का रीजन होता है सो द इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ दिस गैसेज इन द दटमोसफियर दैट इज द रीजन ऑफ द क्लाइमेट चेंज नाउ क्लाइमेट साइंटिस्ट बिलीव दैट इन दिस रीजन फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ दिस चेंज इन द क्लाइमेट इज ग्लोबल एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल राइजिंग इन टेम्परेचर द गैसेज ड्यू टू विच द टेम्परेचर इंक्रीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज और ऐसे गैसेस की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ना समरी क्या है यहाँ पर कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो हीट को होल्ड करके रखते हैं और जिसके वजह से क्या होता है टेम्परेचर yeah, इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में और ऐसे गैसेस को हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस और इसी की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज भी होता है ना एज यू कैन सीन द इमेज अ पॉट विद द वाटर इज़ प्लेस ऑन अ बर्नर ड्रॉ फोर फाइव स्मॉल प्लास्टिक बटन इन इट एंड ऑब्जर्व देयर मोमेंट इन वाटर सो कन्वेंशन एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ हीट कन्वेंशन मीन्स वॉट ये जो पॉट है वो कन्वेंशन है हीट जो निकल रहा है रेडिएशन ये वर्टिकल और हैंडल क्या होगा यहाँ पर कंडक्शन जो होल पकड़ के रखते हैं वो कंडक्शन है हमारा पॉट क्या है जो हीट एब्जॉर्व कर रहा है कन्वेंशन और हीट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन है इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल है सो so, फ्लेम कैसे निकलता है ऐसे निकलता है वर्टिकल में सो so, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लेम निकल रहा है रेडिएशन और ये पॉट क्या है कन्वेंशन और हैंडल क्या होता है कंडक्शन वाटर एक्सपांड ऑन हीटिंग वाटर क्या होता है एक्सपांड होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो उसके मोटर वाटर मोलिक्यूल स्प्रेड होने लगते हैं सो वाटर एक्सपांड ऑन हीटिंग द हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव अपवर्ड गर्म पानी क्या होगा ऊपर की तरफ आएगा मूव होगा विद इन द बटन्स टू आर पुश टू द सरफेस द रिलेटिवली कूलर वाटर इन अपर प्रपोर्शन मूव्स डाउनवर्ड और ऊपर की तरफ जो कूलर जो ठंडा पानी होगा वो क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टेकिंग द बटन विथ इट एंड दिस रिपीटेडली इन अदर वर्ल्ड ऑन हीटिंग एंड अपवर्ड करंट सेट इन अ वाटर इन नेचर द कंडीशन आर डिफरेंट बट नेचर में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है सो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बोध द अपवर्ड एंड हॉरिजोटल करंट डेवलप इन ओशन सो टेम्परीचर के डिफरेंस की, की वजह से डिफरेंस की वजह से अपवर्ड एंड हॉर्जोंटल कर डेवलप इन ओशन ओशियन में ऊपर की तरफ और हॉर्जोनटल की तरफ एयर ब्लो होते हैं विंड्स ब्लो होते हैं जिसे हम करंट कर रहे हैं वो ब्लो होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर सो टेम्परेचर के डिफरेंस की, की वजह से जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं ओशन में वो अपवर्ड एज वेल एज हॉरिजोनटल मैंने बताया हॉर्जोनटल मतलब ऐसे एंड अपवर्ड मीन्स लाइक वर्टिकल सो दोनों तरह से क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है ओशियन में क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ आर सरफेस ऑन द अर्थ और अन ईवन टेम्परेचर क्या है अर्थ पर सभी जगह सेम नहीं है अलग अलग है इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई है एंड पोलार रीजन पे टेम्परेचर लो है सो so, उस डिफरेंस की वजह से जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल वहाँ पर क्या है डिफरेंसेस है ना बिसाइड टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर लाइक विंड्स एंड डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो गिव राइज टू हॉरिजॉन्टल करंट दिस ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन एंड फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर जो ओशियन करंट ओशियन करंट को ऐसे याद रखो कि जो ओशियन से हवा हवा ब्लो हो रहा है विंड्स ब्लो हो रहा है वो इक्वेटर से पोलार की तरफ जा रहा है एंड पोलार से इक्वेटर की तरफ जा रहा है जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ये डॉट 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 लाइन क्या है इक्वेटर है सो so, इक्वेटर से रेड कलर रेड कलर का जो एरो जा रहा है वो पोलार रीजन की तरफ जा रहा है दैट इज द वार्म करंट मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से टेम्परेचर हाई है तो वहाँ से गर्म हवाए किसकी कहाँ जाएंगी पोलर रीजन की तरफ जाएंगी जो रेड कलर से इंडिकेट किया है एरो को वो वार्म करंट है वार्म एयर है जो टेम्प इक्वेटर से पोलर रीजन में फ्लो हो रहे हैं और जो ब्लू कलर के एयर हैं वो पोलर रीजन टू इक्वेटर की तरफ ब्लो हो रहे हैं जो कोल्ड है कोल्ड करंट है अब पोलर रीजन के यहाँ पे कोल्ड करंट क्यों है मतलब कोल्ड एयर क्यों है बिकॉज ऑफ इन द पोलर रीजन टेम्परेचर आर डिक्रीज टेम्परेचर इज़ लेस वहाँ पर सनलाइट बहुत कम पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम है पोलर रीजन का टेम्परेचर कम है इसलिए वहाँ की हवाएं कैसी हैं ठंडी हैं तो वो ठंडी हवाएं पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं और जो गर्म हवा है हॉट करंट है इक्वेटर पर वो पोलर रीजन की तरफ ब्लो हो रहा है आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा रेड एरो आर इंडिकेटर वार्म करंट एंड ब्लू एरो आर इंडिकेटर कोल्ड करंट सो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन वार्म करंट आर फ्लो एंड फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर कोल्ड करंट आर ब्लो और ये क्यों हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ना वेन ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम फ्रीट जोन टू टोर जोन फ्रीड जोन मीन्स वॉट polar region and torrid zone means what equator so when a ocean current flow from a freed zone to torrid zone it reduce the temperature of the coast in the torrid zone and when the current flow flow from the torrid zone to fluid zone it increase the temperature of the coast in a freed zone so the करंट फ्लो हो रहे हैं टेम्परेचर टॉयलेट जोन से फ्रीड जोन की तरफ मतलब इक्वेटर से फ्रीड जोन की तरफ वहाँ से क्या हो रहा इंक्रीज हो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्योंकि वहाँ का एयर कैसा है हॉट है सो कंसिडर द टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेज ऑन द अर्थ मैप ग्लोब डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिपेयर फिगर फाइव पॉइंट सेवन मतलब ये फिगर देखना है फाइव पॉइंट सेवन इट ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स आइसोथर्म्स आर लाइन दैट कनेक्ट प्लेस विद द सेम टेम्परेचर आफ्टर अवॉइडिंग द इफेक्ट ऑफ हाइट हाइट को अवॉइड करके हम एक आइसोथर्म्स ड्रॉ किया है जहाँ जहाँ पर जिसका टेम्परेचर सभी जगह सेम है तो जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर सेम है वो आइसोथर्म्स कनेक्टेड किए हैं हाइट को अवॉइड करके एंड दिस लाइन आर जनरली अपीयर अ पैरल टू द लैटिट्यूड ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ दर्म्स ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन द मैप दिस लाइन ऑक्यूपाई अ एरिया क्लोज टू द इक्वेटर एंड द शेप ऑफ द लाइन अपीयर लाइक ऑन द इक्लिप्स ऑन द मैप मैप द नॉर्थ साउथ स्प्रेड ऑन दिस इलिप्स इज ग्रेटर ऑन द कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू द ओशन जैसे कि डाइग्राम देख सकते हो यहाँ पे जो रेड लाइट्स है रेड लाइन्स है ऑल दीज आर पैरल टू ईच अदर ईचर वॉट ये लाइन्स क्या है आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इंटरसेक्शन मतलब क्या लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये यहाँ पे ये क्या है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट पैरल लाइन्स मीन्स दे आर डजेंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर तो ये पैरल लाइन्स यहाँ पर अगर मैप में देखोगे तो एक भी लाइन किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं किया है रेड कलर की लाइन को अगर प्रॉपर केयरफुली देखोगे सो तो एक भी आइसोथर्म्स एक भी लाइन किसी एक को इंटरसेक्ट नहीं किया है ऑल द आइसोथर्म्स आर पैरल टू ईच अदर एंड एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस आर वेरी क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एंड दे इट मेक अ इलिप्स इलिप्स मतलब ऐसे या फिर ऐसे फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या है फॉर्म हो रहे हैं कॉन्टिनेंटल में नाउ नाउ कंसीडर थर्मामीटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर मर्क्यूरी और अल्कोहल इज यूज इन द थर्मामीटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस ये याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी वॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस वेयर एज दैट द अल्कोहल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है माइनस वन थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड दिस मटेरियल आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन देर फॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम माइनस थर्टी डिग्री टू प्लस फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस can easily be observed with the help of this material the unit of measuring temperature are degree so degree celsius so unit of temperature is what degree celsius or fahrenheit as shown in the figure these are the express degree celsius or fahrenheit द डिफरेंस इन डेली टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर दिन भर के जो भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर एयर टेम्परेचर इज मेजर इन सेल्सियस नॉर्मल और एयर टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे सेल्सियस में जैसे कि आज का टेम्परेचर क्या है मैक्सीम थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस मिनिमम फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस सो With the help of thermometer we can measure a temperature. Yeh rakho. With the help of thermometer we can measure a temperature and unit of temperature is 0 uh, degree Celsius or Fahrenheit. And in the thermometer there is a alcohol or mercury. So freezing point of mercury is minus 30 degree Celsius and alcohol is minus 130 degree Celsius. अब ये होता कहाँ पर है सो so, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है बल्कि में ये क्या है मर्क्यूरी और अल्कोहल यहाँ पर क्या होता है मर्क्यूरी और अल्कोहल सो मर्क्यूरी इज ओनली वन मेटल विच इज़ फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्म एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट सो जैसे ही हम हीट वाले सब्सटेंस में डालते हैं थर्मामीटर को सो so टेम्परेचर क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा मर्क्यूरी का लेवल इंक्रीज होने लगेगा और वो इंडिकेट करेगा कि कितना टेम्परेचर वहाँ पर है और लाइक अल्कोहल अल्सो नाउ एक्सरसाइज वेयर एम आई द आइसोथर्म्स जीरो डिग्री सेल्सियस रन इन माई सराउंडिंग वेयर एम आई मीन्स वॉट पर जीरो डिग्री सेल्सियस होगा सो आइसोथर्म्स जीरो डिग्री रन इन माय सराउंडिंग नॉर्थन एशिया नॉर्थन ये डायग्राम में देख सकते हो वर्ल्ड मैप में दिखेगा ये नॉर्थन एशिया एंड नॉर्थन कैनेडा द मीन एनुअल टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अराउंड मी देंट्रल अफ्रीका the mean annual temperature around me is 10 degree celsius that is in north europe and central asia usa now who am I the connect place of equal temperature is a isotherms 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 से क्या क्या कनेक्ट किया है ऑल प्लेसेस को जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर है डेट इस इसोथम्स I am useful for measuring the correct temperature थर्मा सिंपल थर्मामीटर थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए दैट इज़ अ थर्मामीटर आई गेट हीटेड ड्यू टू द लैंड और वाटर नियर मी बिकॉज ऑफ एयर लैंड एंड वाटर की वजह से क्या होता है एयर हीटेड होता, होता है एयर हीट होता है नाउ लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू मी बिकॉज ऑफ सन रे सन रे की वजह से क्या हो रहा है लैंड एंड वाटर हीट हो रहा है और इनकी वजह से क्या होता है एयर हीट होता है सो आई गेट हीटेड ड्यू टू द लैंड और वाटर नियर मी एयर बट लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू मी सन रे मतलब सन रे की वजह से लैंड एंड वाटर हीट हो रहे हैं नाउ आंसर द फॉलोइंग एक्सप्लेन विद द डायग्राम द इफेक्ट ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ऑन द टेम्परेचर एंड डिफरेंट लैटिट्यूड

कवर द लेस एरिया एंड स्लैंड रे आर कवर द लार्ज एरिया इक्वेटर रीजन विच रिसीव अ स्ट्रेट रे सन ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड हीट रिसीव इज मोर पोलार रीजन रिसीव अ पोलिव रे ऑफ द सन रे रेक्यूपाई लार्ज स्पेस बट द हीट दिट लेस मतलब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है वीडियो वन में जा देख सकते हो वहाँ पर जो परपेंडिकुलर रे है So when the perpendicular ray fall on the earth surface it cover a less area and heat is increased. and when the slant ray are fall on the polar region there will be a heat receiver less heat now what is the relation between the latitudinal extent and temperature of the region so 0 degree to 23 degree 30 minutes north and south perpendicular ray temperature are higher throughout the year जीरो डिग्री मीन्स इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैफ्रिकन तक क्या होता है हीट ऑल ओवर ईयर हीट बहुत ज़्यादा था है वाई बिकॉज ऑफ सन रे आर परपेंडिकुलर फॉल ऑन दैट प्रपोर्शन मतलब जो सन लाइट है वो ज़ीरो डिग्री टू ट्वेंटी थ्री डिग्री ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स नॉर्थ की तरफ एंड जीरो डिग्री टू ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट्स साउथ की तरफ इन दोनों के बीच में मतलब ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकन के बीच में सनलाइट क्या डायरेक्टली परपेंडिकुलर मतलब पूरे लाइट पूरा सन रे उनके ऊपर पड़ता है बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर होता है इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर नॉर्थ ट्वेंटी थ्री डिग्री थर्टी मिनट एंड सिक्सटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ रिसीव इट्रीम स्लैंड रे स्ट्रीम स्लैंड रे मीन्स वॉट थोड़ा सा फ्लैट रहते हैं फ्लैट रहेगा रहे मतलब टिल्टेड पोजीशन में रहेगा जो अपना अटलांटिक एंड अंटार्क आर्टिक एंड आर्टिक आर्टिक, आर्टिक एंड ट्रांटिक प्रोपोर्शन है वो सो so, टेम्परेचर यू आर मॉडरेट एंड सिक्सटी डिग्री टू थर्टी एंड एंड नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रिसीव एक्सट्रीम्स लैंड रहे एक टेम्परेचर आर वेरी लो नाउ वॉट मेक द आइसोथर्म्स रन जिक ओवर कॉन्टीनेंट एरिया सो आइसोथर्म्स आर रन जिक जैक ओवर कॉन्टीनेंट एरिया बिकॉज द टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल सेटअप एंड हाइट अब मीन सी लेवल ऑन द कॉन्टिनेंट सी लेवल के यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है जिसके वजह से वहाँ पर जिक जैक आइसोथर्म्स फॉर्म होते हैं